सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपेरिमेंटल माइंड। तो दोस्तों, आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग बनाएंगे डीसी इलेक्ट्रिक टेस्टर। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया सिरिंज, दो सिरिंज लिया यहाँ पे मैंने, बैटरी, एलईडी बल्ब, वायर, आयरन रॉड छोटा छोटा जैसा कि आप देख सकते हैं, दो लिया है यहाँ पर मैंने, यहाँ पर सोल्डिंग आयरन है। तो दोस्तों, चलिए इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हम लोग सिरिंज को अनरैप कर लेंगे। रैपर से यहाँ पे मैंने सिरिंज को निकाल लिया है। रैपर से निकालने के बाद इसके पीछे वाले पोर्शन को बाहर निकाल लेंगे और सबसे पहले डाल के देख लेंगे कि ये बैटरी अंदर डलता है या नहीं। तो ये बैटरी फ्रीली अंदर जाना चाहिए। तो सिरिंज के पीछे वाले जो हमारा पोर्शन होता है उसको हम लोग कट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा पहला पार्ट। तो दूसरे वाले सिरिंज के पीछे पिछले वाले पार्ट को भी हम लोग कट कर लेंगे। तो ये हमारा तैयार है और इसके बीचों बीच मैंने दोनों में होल कर लिया है। अब हम इसके बीच में वायर को डाल के देखेंगे कि ये वायर आराम से अंदर जा रहा है या नहीं। तो ये वायर बिल्कुल आराम से अंदर जा रहा है, तो इसे ट्राई कर लेंगे सबसे पहले। तो ये चेक करने के बाद वायर को दोनों साइड से छील लेना है। अब दोनों पीछे वाले हिस्से को अंदर डाल देना है। दोनों साइड से मैंने दोनों पिछले वाले हिस्से को अंदर डाला है। अब यहाँ पे सोल्डिंग आयरन की मदद से बैटरी के ऊपर वाले पोर्शन पे एक वायर को सोल्डिंग कर देना है। तो ये पहला सोल्डिंग हमारा तैयार है और दूसरे वाले बैटरी में हमारे उसके नीचे वाले पोर्शन में सोल्डिंग कर देना है। तो ये हमारा सोल्डिंग हो चुका है, बिल्कुल वीडियो में जैसा दिखाया जाए वैसे ही सोल्डिंग करना है। तो ये सोल्डिंग करने के बाद अब हमें एलईडी बल्ब लेना है। एलईडी बल्ब के एक साइड के वायर को बिल्कुल फोल्ड कर लेना है, बिल्कुल वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है। अब उसे बिल्कुल आधे से भी हल्का सा कम में काट लेना है। कट करने के बाद जिस बैटरी के हमने ऊपर वाले पार्ट में सोल्डिंग किया है वायर को, उसके नीचे वाले पार्ट में एलईडी बल्ब को सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये सोल्डिंग हो चुका है। ध्यान रखें, जितना भी सोल्डिंग करेंगे बिल्कुल आराम से और अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट करके देख लिया कि ये बल्ब काम कर रहा है या नहीं। तो इसे बल्ब को सीधे ऊपर 90 डिग्री के डायरेक्शन में ऊपर कर देंगे और सिरिंज के अंदर बिल्कुल सीधे डालेंगे। और ध्यान रखें, उसका नोज़ल से बिल्कुल उसका वायर बाहर आना चाहिए। इतना करने के बाद जो हमारा सिरिंज का पीछे वाला पोर्शन था उसको बिल्कुल पैक कर देंगे। तो यहाँ पे आप फेविक्विक की मदद से इसको बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने फिक्स कर लिया है। अब
जैसा कि मैंने पहले ही दिखाया था, दो आयरन रॉड लेना है। तो आयरन रॉड में हम लोग एक छोटा सा वायर इसमें सोल्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों ने आयरन रॉड में छोटा सा कॉपर वायर सोल्डिंग कर लिया है। तो ये सोल्डिंग करने के बाद जिस बैटरी के हमने नीचे वाले पोर्शन पे सोल्डिंग किया था वायर को, उसके ऊपर वाले पोर्शन पे आयरन रॉड में जो अटैच किया हुआ हमारा कॉपर वायर है, उसमें हम लोग इसे सोल्डिंग कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा नोज़ल में जाने के लिए रेडी हो चुका है। ध्यान रखें इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से करें, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक में हमारा टेस्टर में प्रॉब्लम आ सकता है। हल्का सा भी वायर कहीं पे ब्रेकेज होगा तो ये हमारा काम नहीं करेगा। इसे बिल्कुल अंदर डाल देना है बैटरी को। तो बैटरी को अंदर डालने के बाद जो हमारे सिरिंज का पीछे वाला पोर्शन था, इसमें भी बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे फेविक्विक की मदद से फिक्स करना है, तो यहाँ पे हमने फेविक्विक लिया है। फेविक्विक की मदद से दोनों पार्ट को हमें अच्छी तरीके से चिपका लेना है। तो ये बिल्कुल रेडी है हमारा डीसी इलेक्ट्रिक टेस्टर। तो अब हम इसे ट्राई करेंगे ये काम कर रहा है या नहीं। तो ये बिल्कुल काम कर रहा है हमारा टेस्टर। मेनली इसे यूज़ किया जाता है किसी भी सर्किट को चेक करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डीसी मोटर को चेक करेंगे कि ये काम करता है या नहीं, कि ये सही है या नहीं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बल्ब जल रहा था। तो अब हम इसे बैटरी की मदद से चेक करेंगे कि ये मोटर सही है या नहीं। तो ये मोटर सही था। तो अब हम लोग एक चार्जर का नॉर्मल बोर्ड लेंगे, अब हम उसे चेक करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा डीसी इलेक्ट्रिक टेस्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इसे घर पे आराम से बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।